एक डिटेक्टिव को एक आदमी को चीट करते हुए पकड़ने का काम मिलता है। ये काम वो जब करने के लिए गया तो उसे हायर करने वाली और जिसे उसे पकड़ना था, इन सब की डेड बॉडीज उसे मिली। अब इसके पीछे कौन था, ये आज की हमारी मूवी द सेंट में हम देखेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी सी सस्पेंस और मिस्ट्री मूवी है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। इसके ट्विस्ट भी आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कैंग हमसे इंट्रोड्यूस होता है। कैंग पहले एक डिटेक्टिव था, पर उस पर इल्जाम लगा कि अपने सुपीरियर की वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ है। इस इंक्वायरी की वजह से उसे 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इस टाइम में कैंग ने अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी खोली है। अगर किसी को लगता है कि उनका पार्टनर उन पर चीट कर रहा है और उन्हें पकड़ना है, तो ये सब लोग कैंग के पास आते हैं। कैंग का एक उसूल है, कभी भी किसी पर भी चीट नहीं करना चाहिए। जब उस पर इल्जाम लगा तो उसने स्ट्रिक्टली कहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ गलत कंडीशन में दिख गया था। इस इल्जाम की वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई है। इस सीन में कैंग के पास कुछ क्लाइंट्स आए थे, तो उनकी वो हेल्प कर देता है। कैंग को अपने काम में जीपोंग हेल्प करता है। जीपोंग पहले एक्सकॉन हुआ करता था, फिर कैंग ने उसे हायर कर लिया। जीपोंग दिखने में या उसकी हरकतें थोड़ी सी डम लग सकती है, और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है। जितने भी केसेस इन्होंने सॉल्व किए थे, इसके सारे एविडेंस उन्होंने अपने ऑफिस में रखे हैं। जीपोंग ने कैंग को याद दिलाया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है। इसके लिए कैंग भी एक्साइटेड था। यह लड़की आई और उसका नाम था सुजिन। सुजिन कहती है, मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहा है, उसे मुझे रंगे हाथ पकड़ना है। ये सब उसे करना तो था, पर ज्यादा वो श्योर नहीं थी। कैंग उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत किया? वो कहती है, मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहा है, उसने सब कुछ गलत किया है। कैंग कहता है, तो फिर क्या बात है, हम डायरेक्टली जाएंगे और एविडेंस लेकर आएंगे। कोरिया में कोई भी एडल्ट्री करता है तो उसे डायरेक्टली जेल जाना पड़ता है। यही सजा दिलाने के लिए सुजिन के हस्बैंड की वो वीडियो टेप लेकर आएंगे, जिसे सब कुछ प्रूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कैंग अपनी वाइफ यंग से मिला। यंग उसे फिर से डिवोर्स पेपर देती है। वो बहुत दिनों से ट्राई कर रही है, पर कैंग इन पेपर्स पर साइन ही नहीं करता। वो उसे फिर से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैंने तुम पर चीट नहीं किया, पर यंग इस बात को नहीं मानती है। इसके बाद रात में कैंग सुजिन के हस्बैंड को पकड़ने के लिए एक मोटेल में पहुंचा। मोटेल में उसे एक कपल ने देखा था। उसने सुजिन के हस्बैंड का डोर नॉक किया और कहा कि मैं गलत रूम में पहुंच चुका हूँ। वो अपोलोजाइज कर वहां से चला जाता है। वो सिर्फ कन्फर्म कर रहा था कि सुजिन का हस्बैंड किसी और लड़की के साथ है। साइड के रूम में सुजिन थी, तो उससे मिला। सुजिन कंफ्यूज हो गई थी। अब वो नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड कोई भी ट्रबल में आए। वो रोने लग गई, कहती है, मैं बहुत हर्ट हूँ। वो ड्रिंक कर रही थी तो कैंग को भी ऑफर करती है। वो रो रही थी, हर्ट थी, इसीलिए कैंग भी उसे सहारा देता है। वो उसे किस कर लेती है। इसके बाद रात में कैंग उठा और अपनी गलती उसने रियलाइज की। वो कभी भी ऐसी कोई भी चीज नहीं करता। उसने लाइट ऑन किया तो देखा कि सुजिन की डेथ हो चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा डर गया। इसके बाद वो सुजिन के हस्बैंड के रूम में गया। वहां देखा तो वहां उसकी भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके पीछे से एक लड़की आई। ये लड़की भी डेड बॉडी देखकर बहुत डर गई थी। कैंग उसे पूछता है, तुम कौन हो? वो कहती है कि मेरा नाम सुजिन है और ये मेरा हस्बैंड। कैंग ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने उसका आईडी चेक किया तो सब कुछ सही था। अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाता। सुजिन कहती कि मैं शावर में थी, यहाँ आई तो डायरेक्टली डेड बॉडी देखी। कैंग कहता है कि अब हमें डरना नहीं है, यहाँ पर हम दोनों अनजान से होटल में है, हमारे साथ 2 डेड बॉडीज है। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो सब लोग हम पर ही शक लेंगे। कैंग जल्दी से गया और होटल की रिकॉर्डिंग्स चेक की। किलर ये रिकॉर्डिंग भी लेकर गया था। अब कैंग डिसाइड करता है इस सब सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। उसने जीपोंग को कॉल लगाया। यहाँ का पूरा क्राइम सीन उन्होंने साफ कर दिया। एक रिमोट सी जगह पर जाकर ये बॉडी गार्ड कराते हैं। ये सब हो जाने के बाद कैंग को बहुत सारे सवाल थे। उसके पास जो आई थी वो सुजिन कौन थी? सुजिन का आईडी उसके पास था तो डायरेक्टली उसके घर पर वो पहुंच जाता है। वो घर में सुजिन के उसके बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज देखता है। उसने सब ड्रॉवर्स वगैरह चेक किए तो नोटिस करता है सुजिन के पास कैंग की सब कुछ हिस्ट्री थी। उसे जानबूझकर उसने चूज किया था, इसे वो और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। एक्चुअल जो जिंदा सुजिन है उसे कैंग कहता है सब कुछ नॉर्मल चलने दो, 1 वीक हो जाने के बाद अपने हस्बैंड को मिसिंग रिपोर्ट कर देना। सुजिन बहुत ही डर गई थी, उसे लगता है उसे सब कुछ पुलिस को बता देना है।
उसने फिर उन्हें कॉल कर दिया। पुलिस आते हैं और सुजीन से क्वेश्चन पूछते हैं। सुजीन कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। पुलिस को लगा कि वो किसी और लड़की के साथ गया होगा। वो इस बात को सीरियसली ले नहीं रहे थे। सुजीन उसे सब कुछ बताने वाली थी तभी कैंग वहां पहुंच गया। कैंग के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो ड्यूटी पर आ सकता है। वो यही रीजन दूसरे पुलिस को भी देता है। कैंग ने सुजीन को कुछ भी बताने से रोक लिया। कैंग ने सुजीन के हस्बैंड की गाड़ी ठिकाने लगाने का काम ये जीपोंग को दिया था। जीपोंग को ये गाड़ी अच्छी लगी थी तो सिर्फ उसने वो गाड़ी छुपा दी। ये अब डायरेक्टली पुलिस को मिल चुकी है। सुजीन को जब ये पता चला तो सब कुछ सच सच बताने के लिए पुलिस स्टेशन आ गए। वो कुछ बता पाए इससे पहले कैंग ने उसे रोक लिया। उसने कहा, रियल किलर को मैं ढूंढ लूंगा, सिर्फ मुझे थोड़ा सा वक्त दो। वो पुलिस स्टेशन में आ ही चुकी थी तो फिर से पुलिस उससे क्वेश्चन करते है। इस बार वो कहती है, शायद मेरे हस्बैंड का किसी से चक्कर चल रहा था, मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा था। कैंग की वाइफ यंग ये भी एक पुलिस ऑफिसर ही है। उसने कैंग और सुजीन को एक साथ बात करते देखा। उसे लगता है इनके बीच कुछ ना कुछ तो है। सुजीन जब चली गई तो यंग कैंग से कहती है, इसका सेंट बहुत ही सिडक्टिव है। हस्बैंड मिसिंग होने के बाद भी इसके पास परफ्यूम लगाने का टाइम है, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। पुलिस ने सुजीन के हस्बैंड के सब कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। उन्हें पता चला कि सुजीन के अलावा किसी और लड़की से बात करता था, उसका नाम भी सुजीन ही था। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक डिटेक्टिव जिसका नाम है हान, एक कैंग को लेकर डेड सुजीन के घर पर चला जाता है। डेड सुजीन ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी। उन्होंने उसके बारे में उसे पूछा तो बॉयफ्रेंड कहता है, 1 महीना हो गया, वो घर से चली जा चुकी है। मैं उसका जिम ट्रेनर हुआ करता था, हम रिलेशनशिप में आए पर वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उसने फिर एक अमीर आदमी को पकड़ लिया। उसका प्लान था कि उससे बहुत सारे पैसे लेगी और इस कंट्री से भाग जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैंग रियल सुजीन के घर पर आया हुआ था। वो घर पर नहीं थी तो उसकी मेड से वो बात करता है। उसने उसे बहुत सारे पैसे ऑफर किए तो कहती है, सुजीन को उसका हस्बैंड बहुत मारा करता था, कुछ टाइम पहले उसने पुलिस को भी बुलवाया था। अब कैंग को शक जाता है कि शायद सुजीन इस सब में इन्वॉल्व है। अब कैंग सुजीन से मिलने के लिए गया। वो जिम में थी, उसकी बॉडी पर उसने नोटिस किया कि बहुत सारे मार्क्स है। कैंग उसे कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारा करता था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, इसी वजह से शायद तुमने उसे शादी की थी। अगर तुम उसे नहीं मार डालते तो एक दिन वो तुम्हें मार डालता, ये मर्डर तुमने ही किया है। सुजीन इस बात पर बहुत गुस्सा होके कहती है, यहां से चले जाओ और वापस फिर से कभी मत आना। रात में कैंग सुजीन पर नजर रख रहा था। सुजीन उसके सामने न्यूड होकर बात लेने के लिए चली जाती है। उसे कॉल करती है, पूछती है, क्या तुम्हें लोगों पर नजर रखने में मजा आता है? अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुजीन उसे कहती है, मेरा फर्स्ट हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता था, अगर मैं किसी से बात भी करूं तो भी वो जेलस हो जाता था, उसे मारने भी लग गया था। इन सब से वो तंग आ गए, उसे छोड़ दिया। अब नेक्स्ट हस्बैंड से जब उसने शादी की तो उसका बहुत ख्याल रखता था, पर एक दिन सुजीन को पता चला कि उस पर चीट कर रहा है। उसने उसे कन्फ्रंट किया तो इस बात से उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। इस हस्बैंड ने भी उसे बहुत मारा था। वो रोने लग जाती है। कैंग से कहती है कि वो जैसा भी था उसे बहुत प्यार करती थी, अब उसके जाने के बाद उसे मिस करती हूँ, मैं कभी भी उसे मार नहीं सकती। अगले दिन कैंग अपनी वाइफ के साथ था, उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है। अचानक से उसे सुजीन का कॉल आ गया। वो कहती है, मेरा आफ्टरनून से कोई पीछा कर रहा है। वो जल्दी से उसके घर पर पहुंच जाता है। वह उसने देखा कोई सुजीन पर नजर रख रहा था। कैंग उसके पीछे भागा, उसे पकड़ लिया। इन दोनों में फाइट होती है पर फिर भी वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। इस फाइट में कैंग बेहोश हो गया था तो सुजीन उसका ख्याल रखती है। उसे होश आया तो कहता है कि ये सब चीजें बहुत ही स्ट्रेंज है, तुम्हारा जो सेंट है यही सेंट डेड सुजीन का भी था, ये करीब आ गए थे। सुजीन उसे किस करने वाली थी तभी उसे कॉल आ गया। पुलिस को सुजीन का हस्बैंड और दूसरी सुजीन ये दोनों मिल चुके हैं। पुलिस को इनकी डेड बॉडी को लेकर एक अनोनिमस टिप मिली थी। कैंग और सुजीन जब एक साथ थे तो कहता है, डेड बॉडीज के बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता था, मुझे, जीपोंग और तुम्हें। उसे लगता है कि सुजीन ने यह सब किया है। उसने पूछा कि अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। सुजीन ने सुनकर गाड़ी से निकल गई। कैंग उसके पीछे पीछे आया, कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो रोने लग गई थी। ये दोनों करीब आ गए और किस कर लिया। डेड सुजीन कैंग से मिलने उसके ऑफिस आई थी।
यहाँ के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को इस ऑफिस के बारे में पता चल गया। हैंग को भी पता चल जाता है सब लोग वहाँ रेड डालने के लिए जा रहे हैं। उसने जल्दी से जीपोंग को कॉल किया और कहा कि सब कुछ वहाँ का साफ कर दो। इनके पास टाइम बहुत ही कम था। पुलिस के साथ कैंग भी वहाँ पहुँच गया। वो डर रहा था कि शायद पुलिस को सब कुछ मिल जाए, पर जीपोंग ने सब कुछ साफ कर दिया है। इस ऑफिस से पुलिस को पता चला इसमें जीपोंग इन्वॉल्व है। सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। डिटेक्टिव हान को लगता है जीपोंग अकेला ये सब चीजें नहीं कर सकता, इसमें और कोई इन्वॉल्व है। इसके पास सुजिन के हस्बैंड का फ्यूनरल था, इस पर कैंग भी आया। कैंग और सुजिन ये अकेले एक रूम में मिलते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग गए। कैंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो सुजिन के साथ इंटीमेट होने वाला था तभी अपना रिफ्लेक्शन उसने एक मिरर में देखा। उसने रियलाइज किया ये सब कुछ गलत है, वो कभी भी अपनी वाइफ पर चीट नहीं कर सकता। अगले दिन स्टेशन में कैंग की वाइफ ने उसे बुलवाया। कहती है ये सुजिन के कॉल रिकॉर्ड्स है, जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन तुमसे बात करना है बहुत ही स्ट्रेंज है। कैंग कहता है ये बात जरा बड़ी है, इससे कुछ भी कंक्लूजन मत निकालो। यहाँ पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं एक कपल आया हुआ था, वही कपल है जिन्होंने कैंग को मोटेल में देखा है। कपल में से आदमी कैंग को पहचान लेता है। वो कहता है कि मैंने तो इसे ही देखा था। कैंग बहुत ही डर गया। कैंग उसके पास जाकर उसे धमकाता है, कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम वहां मुझे कैसे देख सकते हो। वो आदमी भी डर कर अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेता है। कैंग के फ्रेंड को पता चल गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये रात में उसे डिनर पर पूछता है तुम में और सुजिन में चल क्या रहा है। कैंग कुछ भी नहीं बोलता तो उसका फ्रेंड कहता है इससे तुम बहुत बड़े ट्रबल में आ सकते हो। पुलिस स्टेशन में कैंग के खिलाफ सबूत देने के लिए एक डिलीवरी मैन आया हुआ था। कैंग उसे पहले ही पकड़ लेता है, पूछता है तुम्हें किसने देने के लिए कहा। उसने कहा एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की थी, उसका सेंट बहुत ही ब्यूटीफुल था। कैंग अब 100% श्योर था सुजिन उसे फंसाना चाहती है। उसके पास आया और कहा कि तुमने उसे मारा है, सब कुछ मुझे सच सच बताओ। सुजिन ने कहा मेरा हस्बैंड बहुत ही अजीब था, वो चाहता था कि जब वो किसी और के साथ इंटीमेट हो तो मैं उन दोनों को देखूं। मैंने ऐसा नहीं किया, दिन उसने मुझे पान कर जबरदस्ती उसे देखने के लिए मजबूर किया था। जिस रात उसकी डेथ हुई तो इस सब के लिए मैं मान गई थी, इसलिए हम सब होटल पर थे। कैंग कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो उसे कफ करता है और सुजिन कहती है तुम भी वहां थे, मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने दूसरी सुजिन को और मेरे हस्बैंड को मार डाला, तुम दूसरी सुजिन के साथ इंटीमेट हुए थे, तो पुलिस की रिपोर्ट से ये भी साबित हो जाएगा। सुजिन फिर से कहती है कि मैंने मेरे हस्बैंड को नहीं मारा। अब कैंग कुछ कर भी नहीं सकता। कैंग को रात में पुलिस स्टेशन से कॉल आया, से पता चला सुजिन के बॉडी पर जिम ट्रेनर जो पाउडर यूज करते हैं वो पाया गया है। कैंग का शक डेड सुजिन के बॉयफ्रेंड पर जाता है। कैंग ने फिर उसके सब कुछ कार रिकॉर्ड वगैरह निकलवाए। उसे पता चला डेड सुजिन का बॉयफ्रेंड उस रात इसी एरिया में था, यानी कि वही असली किलर है। नेक्स्ट दिन में पुलिस स्टेशन में था। उसके फ्रेंड हान को पता चल गया था कि जीपोंग और कैंग ये दोनों एक साथ काम करते हैं। वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है, वहां से वो भाग जाता है। कैंग को भागने में जीपोंग ने हेल्प की। रात में कैंग डेड सुजिन के बॉयफ्रेंड को पकड़ने के लिए गया। इसके पैरेलल में हम देखते हैं कि रियल सुजिन ये पुलिस स्टेशन में आ चुकी है। उन्हें बताती है कि डेड सुजिन मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल कर रही थी, उसने कैंग को भी अपने प्लान में शामिल किया था। डेड सुजिन का काम हो गया तो उसके बाद वो कैंग को भी ब्लैकमेल करने लग गए। इसके बाद कैंग ने उसे और मेरे हस्बैंड को दोनों को मार डाला, मैं खुद इसकी विटनेस हूँ। मैंने कैंग को मेरे हस्बैंड को मारता हुआ देखा था, मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि कैंग उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसे 30% चाहिए थे। अब सब पुलिस को लगता है कैंग 100% कल्प्रिट है। इसी के पैरेलल में कैंग ने डेड सुजिन के बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया है। इन दोनों में फाइट होती है। कैंग उसे पूछता है तुमने ये सब किया क्यों, डेड सुजिन मेरे पास क्यों आई थी। वो कहता है इन सब के पीछे एक्चुअल सुजिन ही है। उसे पता चल गया था कि उसके हस्बैंड का और मेरी गर्लफ्रेंड का अफेयर चल रहा है। वो फिर मेरे पास आए, उसने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी के 30% मुझे दे देगी, इसके बदले में मैंने उसके हस्बैंड और मेरी गर्लफ्रेंड को मार डाला। सुजिन ने ही मेरी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे पास भेजा था। कैंग सरप्राइज था कि सुजिन उसे क्यों फ्रेम करना चाहती थी। इसी कन्फ्रंटेशन में फिर से बॉयफ्रेंड कैंग को मारने लग जाता है। वो उसे मार ही डालता पर तभी यहाँ पर यंग पहुंच गए। वो डेड सुजिन के बॉयफ्रेंड को मार डालती है।
कैंग और यंग ये पुलिस स्टेशन में आए, सब कुछ समझाने की कोशिश की पर कोई भी माना नहीं। सुजिन कैंग के खिलाफ एक विटनेस बन चुकी थी, अब कैंग की हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। कैंग हैंडकफ्ड था, उसे मिलने के लिए यंग आई। उसे कहता है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। यंग को भी लगता है कि कैंग इनोसेंट है, उसके कब्ज खोल देती है। कैंग अपने सुपीरियर को गन लगाकर वहां से भाग जाता है। वो डायरेक्टली सुजिन के पास आया। इसी के पैरेलल में सुजिन ने उस रात की होटल की रिकॉर्डिंग ये यंग को भेज दी थी। इसे प्रूव हो जाता है कि कैंग इनोसेंट है। इसमें साफ साफ दिख रहा था कि सुजिन के डेड बॉयफ्रेंड ने ही सबको मारा है। कैंग अब सुजिन से तो मिला पर उसने उसे जाने दिया। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गए। अब कैंग पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, पर हान पूछता है कि तुमने सुजिन को जाने क्यों दिया। कैंग ने कहा कि वो ऑलरेडी चली जा चुकी थी। हान को मालूम था कि वो कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। अब हमें कैंग जब सुजिन से मिला तो क्या हुआ था यह पता चलेगा। सुजिन उसे बता देती है, ये रिकॉर्डिंग्स मैंने तुम्हारी वाइफ को भेज दी है, अब तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। कैंग ने उसे पूछा, तुमने मुझे क्यों चूज किया। वो कहती है, ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारी वाइफ पर चीट करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, सब लोग तुम पर ही शक करते, मेरे प्लान के लिए तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तुमने क्राइम सीन को सही से साफ कर दिया था, जैसा वो चाहती थी सब कुछ वैसा ही हुआ। वो फाइनली कहती है, मुझे अब यहाँ से जाने दो, अगर मैं पकड़ी गई तुम भी ट्रबल में आ सकते हो। इसके बाद कैंग ने उसे जाने दिया। कैंग अंडर सस्पिशन ही था, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगे पर फिर भी उसे जेल में थोड़ा सा जाना पड़ा था। वो जब जेल से वापस आता है तो उसकी वाइफ उसका वेट कर रही थी। सुजिन ने यंग को बता दिया है कि वो कभी भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई। कैंग की वाइफ को जो भी लगा था ये सब उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसे सब चीजों के लिए माफ कर देती है। अब मूवी में थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। कैंग का अब एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑफिस है। अब बहुत